पूरे देश में होली का त्यौहार भले ही बीत गया हो, लेकिन कानपुर में तो रंगों की खुमारी अभी भी लोगों के सिर चढ़कर हुई है। यहां होली के बाद भी रंग खेले जा रहे हैं। क्रांतिकारियों के इस शहर में एक सप्ताह तक होली मनाने की परंपरा है। स्वाधीनता संग्राम की एक घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल कानपुर में होली मेला अंग्रेजी हुकूमत की हार का प्रतीक है और कानपुर में होली का हुड़दंग अभी जारी है, जो कि गंगा किनारे होली मेला के आयोजन के साथ समाप्त होगा। इस बार के होली मेले में बाबा का बुलडोजर शामिल किया गया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर में रंगों की टोली निकालने से पहले रज्जन बाबू हटिया पार्क में कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद झंडारोहण करके गंगा मेले का शुभारंभ किया गया और जिलाधिकारी ने आम जनमानस से आपसी सौहार्द और शांतिपूर्वक तरीके से गंगा मेला मनाने की अपील की है। आज का दिन गंगा मेला तो हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण लगता है। आज का दिन बलिदान दिवस भी है और कानपुर का गंगा मेला भी हम लोग मना रहे हैं। आज के दिन हमारे भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी में लटकाया गया था, लेकिन ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज हम पहले इनको नमन करेंगे, उसके बाद ये तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और शिलालेख में पुष्पांजलि करके कानपुर की होली का ऐतिहासिक दिन गंगा मेला के साथ हम लोग रंगों का एक जुलूस लेके चलेंगे और जो विभिन्न मार्गों को होते हुए पुनः यहीं इसी स्थान में आकर उसका समापन होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।